मैं सेल्स फोर्स में कैरियर बनाना चाहता हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि सेल्स फोर्स ईजी टू लर्न है या डिफ़िकल्ट टू लर्न है, कैसे कितना मुश्किल मुझे हो सकता है अगर मैं कैरियर बनाता हूँ सेल्स फोर्स में, सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में। तो आप क्या कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे देखिए। अब अगर हम कैरियर बनाना चाहते हैं सेल्स फोर्स में, एज ए एक्सपर्ट मैं आपको ये बताऊँ कि सेल्स फोर्स बहुत ईजी है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन यह है कि आपका कैरियर बैकग्राउंड क्या है। अगर आप बहुत छोटे हो, बेसिक लेवल से आ रहे हो, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन टूल मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से BCA MCA कर लिए, BTech कर लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर ये सब रह गया तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अभी दूसरा चीज़ मैं ये बोलूँ कि सेल्स फोर्स का दो पार्ट है, एक एडमिन एक डेवलपर। आपको कोडिंग करना है क्या? अगर करना है तो आप डेवलपर में बनाइए। अगर आपको कोडिंग नहीं करना है, बेसिक लेवल पर रहना चाहते हो, तो एडमिन पे जाइए। तो बेसिकली क्या होता है, सेल्स फोर्स एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल होता है। अब ये टूल को आपको कैसे यूज़ करना है, इसका UI कैसा है, सब कुछ बटन है, कहाँ क्या करना है, कहाँ रूल्स रेगुलेशन सेट करना है, कहाँ क्या करना है, कौन सा जाके कैसे क्लासिक मोड जाना है, कैसे अपडेटेड मोड जाना है, कैसे इसका कैलकुलेशन लगाना है, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं एडमिन पार्ट पे। मतलब बेसिकली यूज़ करने का, सेल्स फोर्स को यूज़ करने का जो टेक्निक होता है वो एडमिन में सिखाया जाता है। अब जो चीज़ आपको मुश्किल लग रहा है कोडिंग करने के लिए, तो आप कैरियर बना सकते हो एडमिन में। एडमिन का एक सेपरेट सर्टिफिकेशन भी रहता है, उसे कर लो, लर्न कर लो, सर्टिफिकेशन कर लो, हो गया आपका कैरियर सेल्स फोर्स एडमिन में। अभी वैसे ही डेवलपमेंट हम लोग करना चाहते हैं, जावा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो अपेक्स कोड लिखना, सेल्स फोर्स का कोड लिखना बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। अपेक्स कोड लिखना बहुत ईजी रहेगा। जो चीज़ हम लोग एडमिन में नहीं मिला, उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं डेवलपर में। डेवलपमेंट में अभी डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एडमिन में अभी धीरे धीरे मार्केट सैचुरेट होने लग रहा है। डेवलपमेंट में आपको मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप डेवलपमेंट में जाइए। अभी डेवलपमेंट में जाओगे तो आपका कैरियर अच्छा रहेगा, जो कि हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ ऐड कर रहे हैं सेल्स फोर्स में, राइट। अभी क्या करना है आपको, क्या क्या मैं स्टेप बता देता हूँ अच्छे से, जो कि आपको कैरियर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। पहला चीज़, इंटरनेट में बहुत सारा फ्री रिक्वायरमेंट या फ्री डॉक्यूमेंट, फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो मेरा सेल्स फोर्स का एक ट्रेनिंग प्लेलिस्ट है, पूरा ट्रेनिंग है सेल्स फोर्स का, मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें भी आप जा सकते हो। फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे 1-on-1 ट्रेनिंग भी ले सकते हो। अभी क्या हुआ, पहले आप फ्री मेथड पे जाइए, सीखिए, देखिए कि आप सेल्स फोर्स सीख पा रहे हैं या नहीं, कर पा रहे हैं या नहीं, प्रैक्टिस हो रहे हैं या नहीं। अब तक आपको पता चल जाएगा कि आपके हिसाब से सेल्स फोर्स ईजी है या डिफ़िकल्ट है। अगर आपको इजी लगता है आराम से कैरियर बनाइए, अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, मैं बता दूंगा आपको कैसे इसको इजी करना है। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत इजी रहेगा सेल्स फोर्स, कैरियर बनाइए, आगे जाइए, बहुत इनकम कीजिए, फ्यूचर ब्राइट कीजिए। तो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।